नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 8 नवंबर मंगलवार के दिन लग रहा है साल का अंतिम और सबसे बड़ा ग्रहण चंद्र ग्रहण, जो 200 साल बाद बहुत ही इसके दुर्लभ योग पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको मैं वो मंत्र बता रही हूँ जिनको यदि आप ग्रहण में सिद्ध कर लेते हैं तो आजीवन आप वो सब कुछ अर्जित कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। आम दिनों में जिन मंत्रों को आप सिद्ध करते हैं उनके तुलना में होली के दिन, काली चौदस के दिन, दीपावली की रात, ग्रहण के समय, इन समय पर यदि आप उन मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो लाइफ टाइम ये मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाते हैं और हमेशा आपके लिए काम करते हैं। ये जो मंत्र मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इसको आप चंद्र ग्रहण के समय मतलब के दोपहर 1:13 से 7:27 के बीच आपको मन ही मन बोलते रहना है। मन ही मन आप इस मंत्र को चाहे तो मतलब पूरा टाइम बोले, या फिर आप चाहे तो एक बार एक जगह बैठ जाए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, और 108 बार आप इस मंत्र को जप ले। उसके बाद आप जब भी किसी को भी अपने वश में लेना चाहते हो, आप उसके सामने जाकर के सिर्फ खड़े हो जाए, वो व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा, ऐसे ही वो व्यक्ति आपके वश में होगा। बस उस समय आपको मन ही मन इस मंत्र को बोलते रहना होगा। ये मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है दोस्तों। ग्रहण का जब भी समय आता है तो इस मंत्र को तो आपको बोलना ही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ओम शोम शोमाय नमः मंत्र का भी आप जाप करते रहें। इस मंत्र का जाप करने से आपके जो चंद्र हैं वो जबरदस्त रूप से मजबूत बनते हैं। जब आपके चंद्र मजबूत बनते हैं तो आपका मनोबल जबरदस्त रूप से मजबूत बनता है। कदम कदम पर आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा। जिनके चंद्र कमजोर है, कभी भी उस व्यक्ति को सही प्रेम नहीं मिलता है, वो व्यक्ति प्रेम के लिए तरस जाता है। खास तौर से माता का ही प्रेम उसको संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। चंद्र यदि आपके मजबूत रहे तो आपको प्रेम के मामले में कहना नहीं पड़ेगा, और आपकी जो फीलिंग्स है वो भी एकदम सॉफ्ट रहेगी, आपका जो नेचर है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और आपका मनोबल मजबूत रहेगा। और ये वाला मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ 108 बार सिर्फ आप ऐसे ही जप लें, स्वच्छ कपड़े पहने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए, कोई भी चीज ले ले जपने की, जैसे चने के दाने ले ले या कोई भी चीज ले ले 108, और इस मंत्र को आप मन ही मन जप लें। फिर से बता दूं, जब भी आपको किसी को अपने वश में करना हो उस व्यक्ति के सामने जाए, इस तरीके से खड़े हो कि वो व्यक्ति आपके सामने देखे, बस आप मन ही मन इस मंत्र को बोले, वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपके वश में होगा, आपका कहा करेगा। यदि आप सभा में भी जाते हैं, एक से ज्यादा पब्लिक हो, जैसे शादी ब्याह है वहां पर भी यदि आप जाते हैं, खड़े होते हैं, कहीं आपके बॉस कोई मीटिंग आपकी है, आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, बॉस आपके अगेंस्ट में है, आप उस मीटिंग में बैठे और मन ही मन इस मंत्र को बोलना शुरू करें, पूरी मीटिंग में जितने भी लोग होंगे सब आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। पूरी के पूरी सभा को यदि आपको संबोधन करना है तो भी आप इस मंत्र को, जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं, इस मंत्र को आप 7 बार 11 बार 21 बार बोल दें, आप देखेंगे पूरी सभा आपकी तरफ मोहित होगी। मंत्र बड़े ध्यान से सुने, थोड़ा बड़ा मंत्र है, जरा ध्यान दे करके सुन ले। राई शिम शिम सामाहुला धोली दू व गंगा वे है फटी अंगे मर्दन कीजे ताते पानी नहावरे मस्ते मस्तके तिलक कर केशरी को राज द्वारे जावे रे देखी सभा सबको मोहे मोही वे भावे रे। ये मंत्र दोस्तों लोगों को आपकी तरफ आकर्षित भी करता है और ये मंत्र आपकी लाइफ में धन धान्य भी भर देता है। धन दौलत यश कीर्ति सब कुछ आपको दे देता है। इस मंत्र को 108 बार चंद्र ग्रहण के समय आप जप लें और इसका रिजल्ट देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।